कि हमारा अगर हम पीएलआर को क्योर नहीं करते, हम पीएलआर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो हमारे पैरा सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डालता है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, पैरा सबकॉन्शियस को हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सोल बोलते हैं, तो वो हमारी सोल पे इम्पैक्ट डालता है और सोल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को। यह बताऊंगा कि हमारी सोल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जिसको हम सोल बोलते हैं मोटी भाषा में, नॉर्मल बोलचाल में। अदरवाइज जो पैरा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर टेक्निकल बात करें, पैरा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो वीडियो है सोलमेट एंड पैरा सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। पैरा सबकॉन्शियस माइंड को ही हम नॉर्मल भाषा में सोल बोलते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेके कि वीडियो क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको इतने अच्छे वीडियो शेयर कर सकें। कि हमारा अगर हम पीएलआर को क्योर नहीं करते, हम पीएलआर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो हमारे पैरा सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डालता है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, पैरा सबकॉन्शियस को हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सोल बोलते हैं, तो वो हमारी सोल पे इम्पैक्ट डालता है और सोल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो सोल तीन तरह की डिवाइड हो जाती है, मेजर में और माइनर में बहुत तरह की डिवाइड होती है। मेजर में जो तीन तरह की डिवाइड होती है वो क्या है, पहली क्या है, ओल्ड सोल बोलते हैं, और ये पैरा सबकॉन्शियस आपका ओल्ड हो गया, मतलब पीएलआर की प्रॉब्लम बढ़ती चलेगी कई लाइफ में और आपने हटाई नहीं। सिंपल भाषा में समझें तो वो कॉम्पैक्ट हो गया और उसने इंपैक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या क्या इंपैक्ट होते हैं ओल्ड सोल में, क्या होगा, ऑलवेज ट्राई टू गेट नॉलेज विदाउट नीड। आपने बोला सडनली, यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अमरीका में एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, 18-20 साल का लड़का है, उसने अमेरिका से कोई अभी कोई डिस्कशन नहीं है उस चीज से, पॉलिटिकल पार्टी का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर सडनली गूगल करना शुरू कर दिया उसने। वो ढूंढ रहा है कौन सा बंदा था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण थे, वो पूरी फिलोसफी, जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। या एक म्यूजिकल ट्रैक मैंने सुना था, जो रशियन म्यूजिक था, बहुत बढ़िया था, उसका कुछ आपको दो चार वर्ड हैं आपने बोल दिए, इट्स अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, वो लग गया ढूंढने में और उसने 4 घंटे खराब कर दिए। वो मिला नहीं मिला वो अलग बात है। तो ये ओल्ड सोल है, बच्चे में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, किसी में हो सकती है। ओल्ड सोल नॉर्मल भाषा में, तेरा सब कुछ थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए मैं भी आपको नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, कुछ भी बताओगे भूल जाएंगे, अरे तेरे को ये काम बताया था, भूल गया। दिन में 10 काम बताओगे 8 काम भूल जाएंगे। अब ये मत करना कि आज से अपने बच्चे ने एक काम भूल गया, या अपने आपके हस्बैंड ने एक काम भूल गए, या वाइफ एक काम भूल गई तो बोला तू ओल्ड सोल है, ऐसा नहीं है। एवरेज लीजिए, 10 में से अगर वो 8 काम भूल रहा है तो समझ लीजिए ओल्ड सोल, पीएलआर का इशू बढ़ गया। जैसे जैसे पीएलआर के इश्यू बढ़ते जाएंगे वो इंपैक्ट करेगा पैरा सबकॉन्शियस। थर्ड, ये लोग लोनली फील करते हैं और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं नहीं जाएंगे। मैं बहुत बोर हो रहा हूं या बोर हो रही हूं, उसे बोलो चलो आओ बाहर घुमा के लाते, नहीं बाहर नहीं जाता। उससे बोलो, यंग लड़के हैं आपस में बात कर रहे हैं, यार मेरी गर्लफ्रेंड है, या लड़कियां बात कर रही हैं मेरा बॉयफ्रेंड है, वो अपनी दुनिया में, सब कुछ भाई तेरा, नहीं नहीं यार ये सब बेकार की चीजें। अच्छा जी वेरी गुड, तो क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, नहीं नहीं वो आपको उसी के ऊपर ज्ञान दे रहा है, लव क्या होता है, किस लिए होता है, कैसा होता है, जबकि उससे पूछो भाई तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, या उससे पूछो कि तेरे कितने बॉयफ्रेंड है, एक भी नहीं। तो दीज पीपल्स व्हाट दे डू, दे cannot meet the people very easily, वो जल्दी से मिलेगा ही, उसको बहुत पुश करना पड़ेगा। तो ये ओल्ड सोल्स है।
जो काफी पिलर के इश्यूज है। दूसरी तरह के सोल्स क्या है, यंग सोल्स या यंग पैरासबकॉन्शियस माइंड। ये क्या है, ऑलवेज बिजी इन फोकस वर्क। ये 10 चीजें बताओगे 9 चीजें छोड़ देगा, एक काम पे फोकस करेगा जो उसका इंटरेस्ट है, कोई भी हो सकता है। और वही काम करने के बाद सडनली वो अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करेगा। अगर वो 10 में से बाकी 9 काम हो गए, अगर वो काम नहीं हुआ तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट फील करेगा। तो ऐसा अगर कोई आदमी फील कर रहा है तो समझ लीजिए यंग सोल। दूसरा पॉइंट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस। ये बिल्कुल स्ट्रेट चीज समझने की कोशिश कर, वो कहते हैं ना सिक्के का दूसरा पहलू देखते ही नहीं, ये क्यों है, क्या कारण है। बिल्कुल बिल्कुल जो स्टेट बोलोगे वैसा ही है। जैसे एक पर्सन है, उसने बोला कि मेरे को ना नई गाड़ी खरीदनी, बट उसके फादर ने बोला, मन में सोचा यार नई गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, गाड़ी ठीक चल रही है, हाँ पैसे नहीं। उसने नोट कर लिया पैसे। कल उसके फादर को एक अच्छी जगह लगी, उसने सोचा प्लाट खरीद, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे कैसे खरीद रहे हो, और उस पर उसने इशू बनाना शुरू कर दिया। Don't understand between the lines. क्यों बोल रहा है वो आदमी, उनको कितना ये समझा लो वो उस पे जाएंगे ही नहीं। और थर्ड, इसके अंदर react very impulsive, cannot ignore the things. हर चीज पे उसका reaction impulsive हो जाए। उसको आप बहुत समझाओ इसकी जरूरत क्या है, ये 50 साल का आदमी भी हो सकता है, लेडी भी 50 साल की हो सकती है, और उसका सोल यंग है। ये पीएलआर की कनेक्टिविटी का इश्यू है। कुछ भी, जैसे आप अपने घर में हैं, मियां बीवी की लड़ाई हो गई, उनमें से एक आदमी ने डिसाइड किया सामान तोड़ना शुरू कर दिया, नुकसान किसका है, पूरे घर का। पर वो खुश होकर बता रहा था मैंने सामान तोड़ दिया, अबे नुकसान भी तो अपने किया। Then this bother about it. बाद में वो सोचते रहेंगे, बट एक बार वो दिखाने के लिए वैसा करेंगे, चीजों को तोड़ने लग जाएंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये यंग सोल में प्रॉब्लमेटिक एरिया है। थर्ड आते हैं चाइल्ड सोल्स, ये बहुत बढ़िया सोल्स हैं। आप 50 साल के भी हो तो भी अगर चाइल्ड सोल है तो कैसा बिहेव करेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले जिनकी उम्र कम है। मान लो आप 20 साल के हो तो आप 10-12 साल के लोगों में खेलोगे, 25 साल के हो 15 साल के लोगों में खेलोगे, 30-40 साल के हो 20-22 साल के लोगों में खेलोगे, उनमें खेलोगे और उनपे थोड़ा ज्ञान जानने की कोशिश करोगे। अपनी उम्र के साथ वालों के साथ कंपीट ही नहीं करोगे, पीछे छोड़ोगे, नहीं मैं जाऊंगा ही बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपने देखे होंगे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल के हो गए बट अभी भी छोटी छोटी गुड़िया उनसे खेल रहे हैं, या बड़ी लेडीज हैं वो भी जाके बच्चों में बैठ रही जबकि कोई मतलब नहीं, वो भी जाके बैठ रही। तो दिस काइंड ऑफ चाइल्ड सोल्स, नो आइडिया ऑफ रिलेशनशिप में नहीं, इनकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड सोल्स की, इनको रिलेशनशिप का मतलब ही समझ नहीं आता। मान लो एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि अपनी माँ के साथ दिन में 4 बार झगड़ा करता है, पड़ोसन के पहुंच होता है। आपने देखा होगा ये सारी चाइल्डिश शोल्स, जिनके पैरा सबकॉन्शियस में पीएलआर का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ चुका है, या घर में वाइफ हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना रही है और बाहर जाके रोटियां बना रही है, बर्तन साफ कर रही है, ये सारी चाइल्डिश शोल्स। हस्बैंड घर पे अपनी वाइफ को बीमार है तो भी वो उसको टेक केयर नहीं कर रहा है, और पड़ोसन के थोड़ा सर में दर्द है तो वो 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाके लेके आ रहा है सेरोटोनिन की गोली, ठीक है, मेडिसिन खरीद रहा है। तो ये सारी चाइल्डिश सोच है, इनको रिलेशनशिप के मीनिंग ही नहीं पता होते और ऐसे ऐसे चेंज करते हैं। और लास्टली ऑलवेज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब इनसे आप किसी क्वेश्चन पे आर्गुमेंटल क्वेश्चन पे आ जाओगे तो क्या बोलना शुरू कर देंगे,
पता है मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ, मतलब उसने महसूस किया, उसने सोचने की भी कोशिश नहीं। तो ये हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहता है। और ये किस लिए रहते हैं, ये पीएलआर अगर कंटिन्यूएशन में कहीं बर्थ में कैरी करते रहेंगे तो ये सोल के ऊपर, मतलब जो पैरा सबकॉन्शियस है उस पर इम्पैक्ट डाल देगा और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आई थिंक मैंने पीएलआर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, डेफिनेटली आप हमसे शेयर कीजिए, कमेंट में डालिए, वी विल गिव यू द रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहेंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।